एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। और जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मेरे पीछे मैंने लगाई है सब्जी। तो आज मैं आपको इसको दिखाऊंगी मैंने कैसे लगाया है, और फिर बहुत महीना हो गया है मैंने इसे खाद नहीं दिया है, तो आज मैं इसे खाद दूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरी सब्जियाँ। यहाँ देखिए, ये मैंने लाई पत्ता लगाया था, अभी इतना बड़ा हो गया है। और ये भी यहाँ देखिए, मेरे पास लगाने की जगह नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ लगाया है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लगाया है पालक लगाया है, और फिर वहाँ भी आपको लाई पत्ता देखने को मिलेगा, और यहाँ भी पालक है। यहाँ देखिए, आपको लाई पत्ता के साथ साथ यहाँ धनिया भी देखने मिलेगा। यहाँ अंदर में है धनिया, क्योंकि मेरे पास लगाने की उतनी स्पेस जगह नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह से लगा दिया है। अभी ये लाई पत्ता बड़ा होते जा रहा है, तो जो मेरी धनिया है, धनिया को खाते जाएगा और ये लाई पत्ता बड़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ भी देखिए, इसके नीचे यहाँ भी आपको देखने मिलेगा धनिया कुछ कुछ। यहाँ की धनिया तो अभी खत्म हो चुकी है, यहाँ देखिए यहाँ की धनिया खत्म हो चुकी है, फिर भी अभी ये लाई पत्ता खा के खत्म है। और यहाँ देखिए, एक पालक, पालक की पत्ता भी है यहाँ में, पालक भी उगा हुआ है यहाँ में। और यहाँ मैंने लगाई है ये वाली बीन्स, यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए, मैं जो बीन्स है वो लगना शुरू हो चुकी है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, इसकी छोटा छोटा स्टेम बन चुका है, और भी फूल खिल रहा है, और भी बहुत जल्दी और भी खिलेगा ये, लेकिन इसमें अभी मुझे खाद देना है। फूल खिलने लग गया है यहाँ में, और यहाँ देखिए बहुत सारा बीन्स यहाँ लग चुका है ऑलरेडी, और बहुत जल्दी ये बीन्स मुझे खाने मिलने वाला है, तो इसी बात में खाद दूंगी यहाँ। और ये लाई पत्ता भी खाने लायक हो चुकी है। और यहाँ नीचे देखिए, फिर यहाँ ये मैंने यहाँ मूला लगाया था, और ये देखिए आलू, ये सड़ा हुआ था, मैंने यहाँ लगा दिया ताकि इसकी जो पत्ता है, ये पत्ता खा सकेगा बाद में, उसी के लिए मैंने इसे फेंका नहीं, ये सड़ा हुआ आलू को यहाँ लगा दिया। और ये देखिए, पत्ता निकलना शुरू हो गया। और यहाँ देखिए लाई पत्ता, और यहाँ देखिए मैंने मिर्चा का भी बीज लगाया था यहाँ में। यहाँ में देखिए कुछ कुछ मिर्चा निकल गया है, तो अभी कुछ दिन का और थोड़ा पत्ता निकलेगा, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी अलग जगह में। और यहाँ देखिए, ये धनिया भी बहुत ही बड़ा हो चुका है। और ये अदरक, ये देखिए अदरक का पेड़, ये भी बहुत बड़ा हो चुका है अदरक। और यहाँ में ये धनिया, और यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए टमाटर की ये उठने लगी है टमाटर। और यहाँ में मैंने लाई पत्ता, शायद जो मैंने बीज लगाई थी वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए पूरा उठा नहीं है। लेकिन ये जो पालक और ये जो लाई पत्ता देख रही है, ये मैंने जो आपको ऊपर में जो बड़ा वाला पोट के लाई पत्ता देखा था, उसी से निकाल के मैंने यहाँ लगाया है। यहाँ मैंने पालक धनिया लगाया था, लेकिन वो उगा नहीं है, शायद उसकी बीज खराब थी, या तो बहुत समय लग रही है। देखिए यहाँ छोटा छोटा निकल रहा है। और यहाँ में देखिए लहसुन, मैंने एक दो लहसुन जो बस थोड़ा खराब था, उसी को मैंने यहाँ फेंक दिया था। और यहाँ आप देख सकते हैं, मेरी जो जितनी सब्जी की पील है, मैंने सबको यहाँ फेंका है यही पे, और यही खाद बन जाएगी। पोट के ऊपर मैं लगाऊंगी, इसमें देखिए इतनी खूबसूरत, यहाँ देखिए सब्जी भी, यहाँ में बीन्स भी उतना शुरू हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे फूल की गार्डन करते हैं लोग, जब उसकी फूलों में जब नया नया कली निकलते हैं और फूल खिलते हैं, जैसे
देखिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, यहाँ में देखिए बीन्स तो लगना शुरू हो गया है यहाँ में, लेकिन देखिए इसकी जो ऊपर वाली पत्ता है वो इस तरह से हो गई है। पता नहीं मुझे ये किस वजह से हो रहा होगा इस तरह से, मुझे बहुत ही दुख लग रहा है इसके लिए। अगर आप सबको पता है ये किस लिए ऐसा हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताए, कोई एडवाइस ज़रूर करे मुझे। और ये देखिए, ये तो अभी तक छोटा छोटा निकला है, ये अभी तक ठीक है, लेकिन ये जो बढ़ गई है, बड़ा है, ये वाला अभी ऐसा हो गया है। तो अगर किसी को कुछ भी आइडिया हो, पता हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इसकी सोल्यूशन मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए मेरी जो बीन्स है वो बहुत अच्छी तरह से मुझे लग गया है बीन्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। ये ऊपर भी कली निकल रही है और फूल खिल रही है, तो और निकलेगा ये। आलू भुजिया की पैकेट थी, लेकिन मेरे पास लगाने के लिए दिखाने के तो मेरे लिए प्लान को इसलिए ड्रॉ कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा है ये नीचे, लेकिन मैंने छोटा कर दिया था इस साइड साइड में, ताकि इसकी जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। अच्छा है ये पैकेट। मेरी जो सब्जी थी उसमें खाद लगाना था, मैंने वो लगा ली है, अभी फिर से मुझे दालें बनाना है। तो यहाँ देखिए मैं ये कलर की ऑफ वाइट है, ये ग्रीन कलर की दालें हैं, मैं इसी को बनाती हूँ, अब मैं दिखाऊंगी। और इसकी जो वीडियो है वो भी आने वाली है। यही गाले को आगे मैं बना रही हूँ, और इसकी वीडियो अभी प्रोसेस में चल रही है, जल्द ही आने वाली है इसकी वीडियो। और आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने रेड कलर की गाले बनाई थी, गाले गेलिंग गाले, वो जो मेरी गेलिंग गाले थी उसके ऊपर मैं एक नया डिजाइन मुकुट बना के आप लोगों के ऊपर फिर से शेयर करूँगी सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि तब मेरी समर वेकेशन थी, तब मैं घर में थी बस्ती में, तो बस्ती में होके मेरी जो फ़ोन थी, फ़ोन ख़राब हो गया था, मेरी चला रही थी, मेरी जो फ़ोन है उसकी स्क्रीन ख़राब थी, फोटो टूटा हुआ थी स्क्रीन, तो उसी से मैं चला रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो फ़ोन थी वो ख़राब हो गया। तो ख़राब होने के कारण मैं घर में मेरी जो बहन की फ़ोन थी, दीदी की फ़ोन थी और मम्मी की फ़ोन, तीनों की फ़ोन से मैंने उस गाले को, गाले की जो मुगुल थी, डिज़ाइन सबको मैंने बनाई थी अलग अलग, एक ही वीडियो को मैंने अलग अलग फ़ोन से वीडियो शूट किया था। तो उसके वजह से वीडियो मेरी इधर उधर होने के कारण नहीं बन पाया वो वीडियो, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ आपसे। अनफॉर्चुनेटली मैं वो वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, उसके लिए सॉरी। लेकिन चिंता ना करें आप लोग, उसकी जो मुगुल डिज़ाइन थी उसे मैं फिर से एक और नए जो मेरे गाला होगा उसी के ऊपर मैं जरूर बना के आप लोगों के ऊपर शेयर करूँगी। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी आप जरूर वेट करें, जो मेरी व्हाइट कलर, जो ऑफ व्हाइट कलर है, ये गाले की जो वीडियो है उसको भी आप वेट जरूर करें। और मेरी जो आज की वीडियो थी उसको आप शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से, आपकी जो प्यार एंड सपोर्ट है वो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहेगा हमेशा, और मैं इसी तरह की हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के ऊपर जरूर लाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।